आज 3rd of January 2024, सेकेंड डे ऑफ द न्यू कैलेंडर ईयर 2024, सेकेंड डे इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, थर्ड डे इन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो कल के दिन जो 2nd of January था ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे, जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था, वहां पे हमने क्या देखा? डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखा, पुल बैक फ्रॉम द लोज, फ्रॉम 101.35 area, it moved higher to 102.25 and closed there. Currently, it is at 102.20. Basically, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो सपोर्ट जोन था। एक सपोर्ट जोन था आपका 100.80 से 101.40, एंड उसके बाद का जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 99.60 से 100.10 का। अभी फर्स्ट सपोर्ट जोन पे ही प्राइस कंसोलिडेट किया, देन पुल बैक कर रहा है। यहाँ पे अभी हमें देखना है वन मोर जोन जहां पे डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलने का प्रोबेबिलिटी है, यानी हमें देखना है अभी 102.50 से 102.75 एरिया में क्या डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस लेता है, एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर दोबारा ये जो रिसेंट स्विंग लो है उस स्विंग लो को फर्दर डैमेज करने का, ब्रेक डाउन करने का प्रयास करता है। क्या ऐसा होता है? और ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक आउट ऊपर की तरफ करके फर्दर अपमूव करते हैं, क्या होगा? इनकेस ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, देन नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजर रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी दिस वन, व्हाट इज दैट? 104.00 से 104.20 लेवल का। डॉलर रुपी कल हमने देखा है कि डिमांड मार्केट में था, बिकॉज ऑफ विच ओपनिंग टाइम से ही मार्केट में बाइंग देखा गया, व्हिच टुक डॉलर रुपी हायर टुवर्ड्स 83.35. Currently it is at 83.27. Nothing new in this analysis. क्योंकि डॉलर रुपी को साइडवेज कंसोलिडेशन में जकड़ के रखा है, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं तो नया एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। सो हमें इंतजार के अलावा और कुछ अल्टरनेटिव एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है। हमें मायूस नहीं होना है, हमें सिर्फ इंतजार करना है। रेंज कितना भी बड़ा चाइना वाल हो, एक ना एक दिन तोड़ते ही है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। अभी देखना है ये चाइना वाल का ब्रेक कब होता है। अभी देखेंगे जीबीपी डॉलर करेंटली इट इज एट 1.2627। तो कल के दिन में जैसे डॉलर इंडेक्स अप मूव दिया, जीबीपी डॉलर में एक डाउन मूव देखा गया है, स्ट्रॉन्ग डाउन मूव फ्रॉम एन हाई ऑफ 1.2760 टू ए लो ऑफ 1.2610। करेंटली इट इज एट 1.2628। सो व्हाट नेक्स्ट में बेसिकली आप अगर देखोगे ना, ये जो जोन है बेसिकली एक मींस रेजिस्टेंस जोन है जिसको ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है, मल्टीपल टाइम्स। अभी थर्ड टाइम वंस अगेन अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा। टिल दैट टाइम थोड़ा सा हल्का सा बियरिश टू साइडवेज इज एक्सपेक्टेड इन जीबीपी डॉलर। जीबीपी आईएनआर में भी कल एक अच्छा खासा डाउन मूव देखा गया है, सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम एन हाई ऑफ 106.33 से 105.02 का, करेंटली 105.10। यहां पर भी हम देखेंगे एक जो जोन है रेजिस्टेंस जोन को मल्टीपल टाइम्स ब्रेक आउट करने का प्रयास किया एंड फेल्ड। सो हमें अभी इंतजार करना है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम इसको अगर तोड़ना है तो ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आराम से थोड़ा सा प्रेशर से ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकते हैं, एंड टिल दैट टाइम थोड़ा सा साइडवाइज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं भी 104.00 से 104.30 के लेवल पे एक सपोर्ट का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूरो डॉलर। सिमिलरली यूरो डॉलर पे फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.1040 से इट ट्रेडेड इंट्राडे लो ऑफ 1.0938 एंड क्लोज्ड
देयर इटसेल्फ एट 1.0939 पे। अभी यहां पे ये जो सेंटर बैंड में आके रुका है प्राइस सेंटर बैंड में। सो फॉर छोटा मूव इंट्राडे एज वेल एज एक दो दिन का मूव हमें देखना है क्या ये सेंटर बैंड दैट व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्या सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता है। अगर वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगेन स्विंग हाई है उसको टेस्ट करने का प्रयास करेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं इन सच ए केस यूरो डॉलर में टेस्ट टूवर्ड्स 1.0750। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखा गया सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 92.00 से विद एन इंट्राडे लो ऑफ 91.07 करेंटली एट 91.14। यहां पर भी सिमिलर एनालिसिस करेंटली इट इज रेस्टिंग एट 20 पीरियड मूविंग एवरेज व्हिच इज नथिंग बट द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। ये सेंटर बैंड को हमें देखना है क्या ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो एक दो तीन चार दिन के अंदर में ये दोबारा स्विंग हाई को टेस्ट करने का हायर चांसेस है। अगर ये सपोर्ट करने में नाकामयाब रहा इन सच ए केस ये जो नीचे के तरफ का रेंज है 89.7080 इसको टेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। सो अभी हमें देखना है क्या ये सेंटर बैंड को ब्रेक करते हैं ये सपोर्ट लिख के कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में भी एक अच्छा खासा फर्स्ट ग्लोबल ट्रेडिंग डे में ये अच्छा खासा फ्रॉम द लो bounce back किया from the intraday low of 140.98 it traded high of 142.21 currently at 142.09 what next के लिए ये अगर हम देखेंगे तो ये price action जो है पूरा का पूरा 20 period moving average के नीचे ही है। what it indicates कि price में weakness है। जब तक ये सेंटर बैंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक बायस डाउनवर्ड ही रहेगा। ऑल्सो आरएसआई बिलो 40 करेंटली एट 38.83 इट्स ए साइन ऑफ बियरिशनेस। सो हमें देखना है ऊपर की तरफ जो इमीडिएट सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वो है आपका 143.00 से 143.10 का। क्या ये हमारा टॉप मींस इमीडिएट टॉप हो सकता है। इन सच ए केस हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लोअर टाइम फ्रेम पे फॉर 4 आवरली एंड आवरली यस तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें अब स्पेशली द आवरली पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है विथ ए स्मॉल येन आईएनआर पे कल एक सेल ऑफ देखा गया इसके जस्ट डॉलर येन का उल्टा इट ट्रेडेड हाई ऑफ 59.08 एंड लो ऑफ 58.60। यहाँ पे देखने वाला चीज वही है जस्ट डॉलर येन का उल्टा काफी समय से ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज और अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में ही सस्टेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे बुलिश बायस बाइंग बायस यहाँ पे तो है जब तक ये सेंटर बैंड के नीचे सस्टेन करना चालू ना करे दैट मीन ना किस यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये देखना है कि डेली आरएसआई एपो 60 एट 60.75 अभी मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है क्या ये 60 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं। अभी डॉलर कैंडी पे भी कल एक अच्छा खासा अप मूव उछाल देखा गया इट ट्रेडेड एन इंट्राडे लो ऑफ 1.3228 एंड एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.3334। सो व्हाट नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो पहले हमें इसको एक वीकली एंड मंथली पे थोड़ा सा मंथली पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है क्या इसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अभी लास्ट मंथ ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया अभी वीकली बेसिस पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है पिछले दिसंबर के नीचे इन सच ए केस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीकली में भी थोड़ा सा अप मूव है एंड डेली में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएटली एक जो रेजिस्टेंस जोन है ये है आपका 1.3380 से 1.3420 का। क्या इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे के तरफ डॉलर कैंडी बाउंस बैक करते हैं ये हमें
देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में भी कल एक बढ़िया सा सेल ऑफ देखा गया, लेकिन देखने वाला चीज वही है कि काफी समय से ये अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज उसके हाई के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अभी ये सेंटर, जब तक ये सेंटर बैंड सपोर्ट है तब तक बाइंग बायस यहाँ पे बरकरार रहने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। सीएनएच कल के दिन में एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया, ये आपका इंट्राडे लो ऑफ 7.1055 से 7.1475 तक हाई ट्रेड किया, अभी ऑलमोस्ट वहीं पे है 7.1480 पे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में देखने का बात ये है कि ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जब तक ये सपोर्ट प्रोटेक्टेड है देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि सीएनएच में मूव हायर, मींस डॉलर सीएनएच में मूव हायर टुवर्ड्स 7.20 के तरफ। एक बार अगर जब तक ब्रेक डाउन नीचे की तरफ नहीं करते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड, कल के दिन ब्रेंट क्रूड में दोबारा एक सेलिंग देखा गया फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 79.90 टू एन इंट्राडे लो ऑफ 78.14, करेंटली इट इज एट 77.81। सो यहाँ पे फर्दर सॉफ्टनेस दिख रहा है। यहाँ पे देखने वाला चीज है आरएसआई करेंटली एट 43.50। सो क्या ये 40 के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक करता है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी कल के दिन एक अच्छा खासा अपमूव देखा गया, इंटरडे हाई ऑफ 4.02 तक चला गया था, लेकिन हायर लेवल पे सेलर्स, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं डंडा करने के लिए, सेल करने के लिए। सो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। यूएस टू ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया एंड अपर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन। सो यहाँ पे सेलिंग ऑप्टिक्स का हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।